हाँ भाई बताओ सही लिया कि नहीं? बिल्कुल अच्छी चीज है सिर्फ टहनी है। सही है ना? हाँ। इससे हम हर जानवर के बाल काट सकते हैं। सही लेकिन अभी गर्मी देखी है सिर्फ तुमने? सही बात। हमारा चॉकलेट कैरिमल ऐश फ्योना हमारे खरगोश हमारी ब्लैकी सबके बाल बड़े हैं यार। तो सही है तुम्हारे भी बड़े हैं। मेरे बाल बड़े मैं यार बताता हूँ ये मैंने क्यों मंगवाया। हम स्पेशली मैंने ये मंगवाया चॉकलेट और कैरिमल के लिए हमारे जो शीप्स हैं कुर्बानी वाले। और ये करना फैसला हमने बहुत सोच समझ के फैसला किया क्योंकि कुर्बानी एनिमल्स की ना कटिंग वगैरह नहीं कर सकते, मूल वगैरह काट नहीं सकते। काट सकते हैं मतलब वो फिर उनको बेच के अपने इस्तेमाल में नहीं, या अपने इस्तेमाल में नहीं रख सकते या बेच के वो पैसे अपने ऊपर नहीं लगा सकते। ये हाँ ये चीज होती है। तो हमने कहा इसको काट के ना हम चैरिटी में दे देंगे ये जो वूल है ना इसकी। तो इसलिए हमने ये फैसला किया क्योंकि गर्मी है ना उनको क्या करें यार, उनको वैसे तकलीफ में रखना भी तो अच्छी बात नहीं है। तकलीफ में रहेंगे तो जानवर तकलीफ में नहीं होना चाहिए। आपको भी पता है कितना गुनाह होता है। कुछ यार देखो डब्बे पे सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ हाँ हॉर्स शीप्स पेट्स डॉग्स कैट्स सबकी कटिंग। हाँ यहाँ पे तुम्हारी तस्वीर नहीं है बस। आ जाओ चलें करते हैं यार ये काम जरूरी है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो मेरे हाथ में यार शेविंग मशीन है। तो अभी हम जल्दी जल्दी ना ऐश और फ्योना, सॉरी पहले चॉकलेट और कैरिमल, ऐश फ्योना को नहीं पहले इनको कर देते हैं। तो ये चॉकलेट और कैरिमल का इनकी शेव करनी है आज। ये और बहुत ज्यादा गर्मी है तो शेव के बाद हमारा चॉकलेट और कैरिमल बिल्कुल सुकून में आ जाएंगे। जैसे हमारी बकरे नहीं घूम रही आराम से खड़ी होती है, चॉकलेट कैरिमल भी ऐसे ही खड़े होंगे क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा यार हांफते हैं। सितैन पहले कैरिमल को निकालते हैं या चॉकलेट को? इसको चलो आ जाओ जल्दी ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। तो यार पहली बारी है हमारे कैरिमल की। अभी नाम नए नए ना जबान पे नहीं चढ़ रहे, कभी कैरिमल निकलता है कभी चॉकलेट भूल जाता हूँ कि ये किसका नाम है ये किसका नाम है, और समझ नहीं आती कि किस तरह के नाम रख लिए हमने। भाई ये आ रहे सबसे पहले इसी की कर। चलो ले आओ ले आओ चॉकलेट को। आज चॉकलेट आज तुम्हारी कटिंग होने वाली है। सही है बिल्कुल ठंडे ठंडे हो जाओगे तुम। सही है कौन सी स्टाइल है इसकी? स्टाइल तुम बता दो कौन सा बनाए। अच्छा स्विच लगा दो यहाँ से। चलो भाई चॉकलेट आ जाओ। आज तुम्हारे कटिंग का दिन आ चुका है। हाँ। चेक करो पहले। अच्छा तुम्हें पता है किस तरह काटना है? रुको रुको जैसे दिल करे काटो। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा स्टाइल बनाए। चेक तो करें काटती है या ऐसे ही? हाँ यार ये भी है ऐसे नीचे से काटना होता है जड़ों से ऐसे। उई सही है तो बहुत जल्दी से काटा इसने। जल्दी हो रही है। आने दो मैंने समझा काफी टाइम लग जाएगा। ये देखें माशाल्लाह काटो काटो इसका भी सुकून आ जाएगा। आराम आराम से जाने दो बस। तुम्हें यहाँ पर हाथ रखना होगा ऐसे। हाँ ऐसे नहीं तो फिर कट लग सकते है ना। हाँ 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 आने दो आने दो इसी तरह गुड 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 भाई प्रोफेशनल है हम तो। सीधा सीधा आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करना। हाँ ऊपर से उठाते जाओ और नीचे से काटते जाओ। शाबाश शाबाश मेहनत करनी पड़ेगी। तो यार मैंने तो आपको कहा है इसका सारा जिस्म काट लेते हैं हम, मतलब बाल इसके जिस्म के, और यहाँ से छोड़ देते हैं मुंह वाली जगह। फिर इसके जो बाल होंगे ना ऐसे इंसानों की तरह ऊपर से होंगे प्यारे लगेंगे, वो करके देखते हैं कैसे लगते हैं। बाकी अभी यहाँ से काट रहे हैं ये देखें ये वाला एरिया था ना तो आपने काट दिया है ये देखें। बाकी अब काफ़ी सारा रहता है ये भी करना है, टाइम लग जाएगा बट करते हैं यार ज़रूरी है ये। मैं कैसे पकड़ूँ? ऐसे अब होगा। अच्छा ऐसे नहीं होता ना एक इंसान एक हाथ से नहीं होगा। अच्छा भाई करो तुम्हारे दो हाथ ही हैं वैसे। भाई साहब काम खराब हो गया है अभी अभी ना लाइट चली गई है तो भाई हमारा चॉकलेट इस तरह का लग रहा है बेचारा। कुछ देर यार ऐसे ही रहेगा जब तक लाइट नहीं आती ना हमें इस हालत में इसको रखना होगा, खाट ही नहीं सकते हम। एक हाँ एक घंटे बाद आ जाएगी फिर हम शुरू हो जाएंगे काम पे लग जाएंगे। क्या खा थोड़ी गए पागल चॉकलेट थोड़ी ना इसको परवाह नहीं है मैं किस तरह लग रहा हूँ अपनी मस्ती में। ओ भाई गंदे ए, नहीं मारो यार उसको। उसने समझा पता नहीं उजड़ा हुआ कहाँ से आ गया हमला ही कर दूं। शयान थोड़ी रोने लग जाएगा। हाँ याद आया शयान कैसे रो रहे थे उस दिन? कैसे फंसा उसकी सींग में फंस गई यार। ओए होए लड़ाई करते ना हमेशा। हो गया यार चंद दिन के मेहमान हो फिर क्यों लड़ रहे हो यार ऐसे? वो देखो इंसान बन जाओ तो आप से पहन ना बनो। आप से पहन ये लोग क्यों लड़ रहे हो ना अभी तो लड़ते ऊपर जाके। देखे सिद्धैन यार क्या है ये व्हाट इज दिस? यार ये देखो ना हमारी जो ग्रीन मोरनी है ना ये मोरनी का अंडा है। कैसे? मेरी आंखों के सामने इसने दिया। आंखों के सामने दिया? हाँ फौरन नीचे ऐसे गिरा दिया कच्चा अंडा। यार हमारी यार ये वाली मोरनी है ना कहाँ गई यहाँ पर होगी वो वाली वो जो है ठहरी हुई है ना ये ग्रीन वाली उसने ये कच्चा अंडा दिया है
और मुझे समझ नहीं आ रही इसने क्यों दिया होगा। कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो सकता है और गर्मी की वजह से भी हो सकता है। यार ये देखो सिप्पी क्या है, इसके बाल जो है ना यहाँ यहाँ आँख के ऊपर से जो है ना आईब्रो यहाँ से बाल इसके गिर रहे हैं, पता नहीं क्या इशू है यार, स्किन का इशू तो नहीं हो रहा। हाँ कान से भी नहीं है, नहीं वो हेल्दी है ना, खा पी रहा है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ खा पी तो सही रहा है, ठीक है। चलो पूरा ब्लैक ही पर जा रहा है, बाल देख रहे हो यहाँ से बड़े बड़े हो रहे हैं। चलो भाई चलो जाओ अपनी माँ के पास, जाओ भागो भागो, छुपे रहते हो हर वक्त। तो यार यहाँ पर हमारी मछलियों को ना एक प्रॉब्लम हो रही है, बाकी तो सब कुछ ठीक है, यहाँ पे रिलैक्स हैं, घूमती फिरती रहती हैं, लेकिन गर्मी और हबस की वजह से ना यहाँ से काफ़ी हीट जमा हो जाती है यहाँ पर। तो मैं इसको ना ऐसे ही ओपन ही रखते हैं, हम इस साइड से ऐसे जुगाड़ लगाया हुआ है और यहाँ से हवा आती रहती है तो तबीयत सही रहती है। अगर ये बंद हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है अंदर, तो मसला होता है इनको। हाँ टूट गई चप्पल, कोई नहीं और ले लेंगे फिर ना, यही मसला है बस। तो आपने कहा यार इसका जब तक गर्मियाँ रहेंगी तो ये वाला मसला हल नहीं हो सकता और ये बर्दाश्त कर लेंगी, बाकी ठीक यार इतना मसला नहीं होगा। तो भाई साहब लाइट आ चुकी है, हम जल्दी से अपने काम को दोबारा से शुरू करते हैं। आज चॉकलेट ऐसे बहुत गंदा लग रहा है यार, और कितना शरीफ है यार, कोई परवाह नहीं यार, जानवरों को बिल्कुल नहीं पता होगा उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है, क्या हो रहा है, बेचारे बर्दाश्त करते होते हैं यार। वैसे मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, अभी तो जुल्म नहीं हो रहा, अभी तो उनकी सेफ्टी के लिए हम कर रहे हैं शुरू। किसने तो क्या हो गया, फिर शुरू करते हैं। हाँ शुरू हो जाओ भाई, शुरू हो जाओ दोबारा से। हाँ आप जल्दी जल्दी कर लो, कोई नहीं ठीक है। चलो यार दोबारा से शुरू कर दिया तो आपने, ऐसे ऐसे करते जाओ, राम राम से, राम राम से। तो हमने सोचा था ना उससे कहीं ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको करने में, बाकी जो है ना बस इसकी फिनिशिंग रहती है, बहुत रहता है अभी फिनिशिंग। यार देखो ना थोड़े थोड़े ऊपर वाले भी रहते हैं, गर्दन रहती है। हाँ यार वैसे भी टाइम लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन देखें शाम भी हो गई है ये करते करते, लेकिन हो जाएगा मुझे लगता है। आज एक ही होगा थोड़ा, है ना एक ही होगा, आज इसको करते हैं, कल जो है ना हम कैरेमल को करेंगे, आज चॉकलेट को कर लेते हैं प्रॉपरली अच्छे से। हाँ हो जाएगा हो जाएगा, करो यार करो मेहनत करो। क्या बोल रहा है यार तू, बता तो सही। गर्मी हो सर्दी हो जैसा भी मौसम हो बारिश हो, ये खुद ही जा रहा है खुद ही जा रहा है, पता नहीं करना क्या चाहता है ये। जो भी यार तुम्हें कामयाबी मिले, मेरी तो यही दुआ है तुम अपने मिशन में कामयाब हो जाओ। तुम कामयाब हुए हो कि नहीं भाई? भाई मैं तो थक गया हूँ, अब तुम्हारी बारी है, है? अब तुम करो इंतजार में खड़े थे कब आएगा। अच्छा अब तुम्हारी बारी है, चलो मुझे दो। मैं ऐश और फ्योनो को यार बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि शाम हो चुकी है। चॉकलेट की कटिंग करने के दौरान ध्यान से निकल गया कि और काम भी करने मशरूफ हो गए थे ना। हाँ भाई ऐश फ्योना खड़े हो जाओ शाबाश। ऐश और फ्योनो दोस्तों बाहर आ चुके हैं, अब यहाँ पर ना आराम से रहेंगे, सारी रात यहाँ रहेंगे और रात को मौसम भी ठीक हो जाता है ना। अंदर रहते तो यार काफ़ी मसला होता है, आपको पता है काफ़ी ये सेंसिटिव होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है इनको। और हमारा यहाँ पर कैरीमल बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, उसका दोस्त क्योंकि काफ़ी टाइम से बाहर है ना, वो भी उधर चिल्ला रहा है ये इधर चिल्ला रहा है। तुम्हें बाहर निकालूं कैरीमल? आ जाओ बाहर निकलो, आ जाओ अपने दोस्त को देखो कैसा हो गया वो, आ जाओ कैरीमल आ जाओ। वो देखो तुम्हारा दोस्त किस तरह से लग रहा है तुम्हें, तुमने भी कल इसी तरह से हो जाना है, सही है? अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अभी नहीं करेंगे तुम्हारी कटिंग। कैरीमल को पकड़ो यार, कैसा लग रहा है अभी से? ओए चलो यार घूमते रहो घूमते रहो, इसकी सही से यार कटिंग करो सिप्तान, कर रहा हूं भाई, छोटा सा हो गया इतना सा लग रहा है, सही बात है। देख रहे हैं यार कितना प्यारा सा लग रहा है, क्यूट हो गया यार, पहले से ज्यादा क्यूट हो गया। अच्छा? हाँ ना देख रहे हो बकरी बन गया, प्यारा लग रहा है यार माशाल्लाह। ओहो पीछे से देखो अच्छा लग रहा है। ऐश उनको देख रहे हो और कैरीमल और चॉकलेट ऐश और फ्योनो को देख रहे हैं कि ये क्या चीज है, एक तरह की फर है ना, वो समझ रहे हैं हमारे रिश्तेदार तो नहीं है, शिप समझ रहे हैं ऐश को। ओए चॉकलेट कैरीमल इसके करीब नहीं जाना, सही है ना, तुम्हें खा जाएगा ये, जख्मी तो लाजमी कर देगा, खाएगा तो नहीं जख्मी जरूर कर देगा। और ऐश हेलो इनकी तरफ नहीं देखना तुमने, सही है, इनको कुछ किया ना तुमने फिर हशर देखना अपना। चलो पकड़ो इसको, नीचे से बाल यहाँ से रहते हैं और बस नीचे नीचे रहते हैं, जल्दी से कर दो कटिंग, सही है। चलो उठाओ 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 ले जाओ अपना काम करो, बहुत ज़्यादा फर हो गया सिप्तान देख रहे हो, हम समझ रहे थे थोड़ी होगी। चलो यार छोड़ दो इसको अंदर छोड़ दो, चलो भाई चॉकलेट घर जाओ जो शाबाश, जो 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 भागो
रात हो गई है भाई, दोपहर को शुरू हुए थे, रात हो गई है। चलो भाई जाओ कैरीमल, इनका एक तो नाम भूल जाता है मुझे, चॉकलेट। नाम चेंज करें, जबान पे नहीं आते। वन टू रख दो नाम, वन टू। सीधा सही है क्या? तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लायन का नहीं बोलो, आज लायन आने वाला था, लायन इंशाल्लाह कल आ जाएगा। तुम ऐसे करोगे? नहीं नहीं, कल आ जाएगा, कल आ जाएगा। अच्छा हाँ, चलो यार देख, तुमने वैसे नहीं मानना चाहा, जब तक ये हाथ में नहीं उठाएगा इसको यकीन नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये थी दोस्तों आज के हमारे वीडियो, मिलेंगे चला कल, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। नहलाना है तो नहला दूँ? किसको? उसको जिसके अभी कटिंग की है। हाँ थोड़ा सा पानी मार दो तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि खारिश हो रही है ना उसको। अभी खाना खाने दो, वो बेचारा खाना खा रहा है, थोड़ा सा खाना खाएगा फिर उसको नहलाएंगे। सही होगा।